हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे आरएस कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करने वाले। ये आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है? आर आपका होता है रेक्टस, जिसे हम कहते हैं राइट, और एस आपका होता है सिनिस्टर, जिसका मतलब है लेफ्ट। ठीक है, तो आरएस सिस्टम में हम बेसिकली यहाँ पर करते क्या है, आपके पास यहाँ पर जो कायरल कार्बन होता है, असिमेट्रिक कार्बन जिसे हम कहते हैं। असिमेट्रिक कार्बन क्या हुआ, जिस पर आपके यहाँ पर जो चार ग्रुप्स अटैच होंगे, मान लीजिए आपके पास कार्बन एटम है, तो उसके किनारे जो आपके यहाँ पर चार एटम्स होंगे वो आपके डिफरेंट होने चाहिए, तो तब आपका जो कार्बन होगा वो आपका कायरल कार्बन वहाँ पर होता है। ठीक है, तो लिखा क्या है, इन आरएस सिस्टम वी अरेंज द फोर ग्रुप अटैच टू द असिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, जो आपके चार ग्रुप वहाँ पर असिमेट्रिक कार्बन के साथ बॉन्डेड है, उनको हम अरेंज करते हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अब कैसे करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक असिमेट्रिक कार्बन है, या आपके पास कायरल कार्बन है, आप इसको सी स्टार से भी दिखा सकते हो। इसके साथ आपके यहाँ पर ग्रुप बॉन्डेड है ए बी और सी। ठीक है, अब ए को मैंने प्रायोरिटी यहाँ पर दे रखी है 1, बी को मैंने प्रायोरिटी दे रखी है 2, और सी को मैंने प्रायोरिटी दे रखी है 3। ठीक है, तो होता क्या है, हमें यहाँ पर जाना कैसे होता है, किस डायरेक्शन पर हमें जाना होता है। लिखा है कि वी हैव टू ग्रो फ्रॉम हाई टू लो प्रायोरिटी, हमें हाई से लो प्रायोरिटी यहाँ पर जाना है। हाई टू लो कहने का मतलब 1, 2 और 3। तो हम जाएंगे कैसे, 1, 2 और 3 ऐसे यहाँ पर हम जाते हैं इस डायरेक्शन पे। तो जब आपका यहाँ पर प्रायोरिटी कुछ ऐसा आपका सेट करी है कि ए आपका यहाँ पर है पहले प्रायोरिटी पे, बी आपका सेकंड प्रायोरिटी पे, और सी आपका थर्ड प्रायोरिटी पे, तो जो आपकी डायरेक्शन होगी वो आपकी कैसे होगी, 1, 2 और 3 ऐसे होगी, हाई टू लो। हाई आपका 1 हो गया और लो आपका यहाँ पर 3 हो गया, तो इस डायरेक्शन पर आपको जाना है। तो ऐसा आपकी जो डायरेक्शन होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्योंकि एस मतलब है आपका लेफ्ट, तो ये आपके लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इधर को जा रहा है, तो कहने का मतलब ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन आपका होगा। ठीक है, ये तो आपकी पहली बात थी। अब मान लीजिए हमारे पास जो आपका प्रायोरिटी है ग्रुप्स की, जो आपके यहाँ पर असिमेट्रिक कार्बन से बॉन्डेड है, कुछ आपकी ऐसी है, ए आपका यहाँ पर है, बी आपका यहाँ पर है, और सी आपका ऐसे है। अभी हम देखेंगे कि प्रायोरिटी हम कैसे सेट करते हैं। ए आपका 1 है यहाँ पर, बी आपका सेकंड प्रायोरिटी पे, और सी आपका थर्ड प्रायोरिटी पे। ठीक है, अब ऐसे में हमें जाना क्या है, लिखा है कि हमें हाई टू लो प्रायोरिटी जाना होता है, तो 1, 2 और 3 ऐसे हम जाएंगे, हाई टू लो प्रायोरिटी हम ऐसे ही जाएंगे। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो क्लॉकवाइज के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं आपका आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आर मतलब होता है आपका रेक्टस, मतलब राइट, तो ऐसे के लिए क्लॉकवाइज के लिए हम लिखेंगे आपका आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आपके कुछ यहाँ पर रूल्स होते हैं, तो दो इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आपको देखने हैं यहाँ पर। पहला देखो क्या बोला है, एटम्स अटैच डायरेक्टली टू द असिमेट्रिक कार्बन एटम, वो एटम जो आपके डायरेक्टली अटैच है असिमेट्रिक कार्बन एटम के साथ। असिमेट्रिक कहने का मतलब जो आपका यहाँ पर कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन कौन सा, ये जो आपका सी वाला कार्बन है, ये आपका कायरल है। क्यों कायरल है, क्योंकि आपके जो चार ग्रुप यहाँ पर अटैच होंगे कार्बन के साथ वो आपके डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो लिखा है कि एटम अटैच डायरेक्टली टू द असिमेट्रिक कार्बन एटम, द वन विथ द हाइस्ट एटॉमिक नंबर हैज़ द हाइस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, जिस जो आपके जिस एटम की आपकी हाइस्ट एटॉमिक नंबर होगा उसकी हाइस्ट प्रायोरिटी आपकी यहाँ पर रहेगी। जैसे आपका एग्जांपल यहाँ पर था, ठीक है, ए बी और सी आपके पास यहाँ पर है, तो ए का यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू बी और इन कंपैरिजन टू सी, तभी आपका यहाँ पर जो आपकी प्रायोरिटी मिली है हाइस्ट, वो आपको यहाँ पर ए की मिली है, क्योंकि ए का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। फिर आपका बी का ज़्यादा होगा तभी आपको 2 प्रायोरिटी मिली है, फिर आपको यहाँ पर सी का ज़्यादा होगा। तो यही लिखा है कि जिसका एटॉमिक नंबर आपका ज़्यादा होगा जिस एटम का, उसको प्रायोरिटी आपको पहले मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक यहाँ पर कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक कार्बन है, और ये कार्बन आपका कायरल कार्बन है, क्योंकि आपके चार डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पर लगे, एक आपका क्लोरीन है, एक आपका कार्बन है, एक आपका ऑक्सीजन है, और एक आपका आयोडीन है। अब इसके हमें बताना है कि आपका आर कॉन्फ़िगरेशन होगा या एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एटॉमिक नंबर की प्रायोरिटी होगी कैसे हम देंगे, आयोडीन की आपकी सबसे ज़्यादा होगी ब्रोमीन के कंपैरिजन पे, ब्रोमीन की आपकी ज़्यादा होगी क्लोरीन के कंपैरिजन पे, क्लोरीन की प्रायोरिटी आपकी फ्लोरीन से ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन ज़्यादा होगी, और नाइट्रोजन की कार्बन से ज़्यादा होगी, और कार्बन की हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी। कैसे होगी, क्योंकि आपके यहाँ पर हमें देखना हाइएस्ट एटॉमिक नंबर, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा देन ब्रोमीन, ब्रोमीन का ज़्यादा होगा देन क्लोरीन, तो हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पर। जिसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी आपके यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो ये कंपाउंड में देखो आप, ये आपके पास असिमेट्रिक कार्बन यहाँ पर है, तो चार डिफरेंट टाइप के आपके एटम यहाँ पर जुड़े, एक आपका क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, कार्बन और आयोडीन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर हमें प्रायोरिटी सेट करनी है, यहाँ पर हमें प्रायोरिटी देनी है, नंबर देना है, तो कैसे देंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे आपका कौन सा इस पर हाइएस्ट एटॉमिक नंबर है। तो अगर हम देखें चारों में से, आयोडीन आपका यहाँ पर हाइएस्ट एटॉमिक नंबर का है, तो 1 इसे हम यहाँ पर दे देंगे, असाइन कर देंगे प्रायोरिटी। ठीक है, सेकेंड नंबर पर क्या आता है यहाँ पर आपका क्लोरीन, क्लोरीन आपका सेकंड नंबर पे होगा एटॉमिक नंबर पे, तो ये आपका सेकंड प्रायोरिटी इसकी होगी। थर्ड प्रायोरिटी में कौन आएगा, ऑक्सीजन और कार्बन में से,
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन आपका यहाँ पर तीसरे प्रायोरिटी में आएगा, और लास्ट आपका सबसे कम किसका है, कार्बन का है, तो ये आपका यहाँ पर कार्बन का फोर्थ प्रायोरिटी पे आएगा। तो आपको बस देखना क्या है, यहाँ पर जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, जिसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, वो आपके हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। यहाँ पर आयोडीन आपकी क्या है, ज़्यादा एटॉमिक नंबर है इसका, तो ये आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। अब हमें यहाँ पर देखना है इसका डायरेक्शन, और डायरेक्शन देखने के लिए हम करेंगे क्या, अब हमें जाना है यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। क्यों जाना है, क्योंकि ऊपर लिखा है आपका वी हैव टू गो फ्रॉम हाई टू लो प्रायोरिटी। अब हाई क्या आपके पास 1 है, ठीक है, 1, 2, 3 और 4। तो हम जाएंगे कैसे, कुछ हम ऐसे यहाँ पर जाएंगे 1, 2, 3 और 4। तो हम जाए कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कैसे जाना होता है, यहाँ पर हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी जाना है, मतलब 1, 2, 3 करके। तो 1, 2, 3, 4 हम ऐसे यहाँ पर जाएंगे, मतलब हम कैसे गए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आपका क्या होता है, यहाँ पर आर कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका, वो होगा आपका आर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। प्रायोरिटी एटम की कैसे सेट होगी, बाय सीइंग देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। यहाँ पर आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा था तो उसको प्रायोरिटी आपकी पहले मिली, फिर क्लोरीन का है, फिर आपका ऑक्सीजन का, और फिर आपका कार्बन का है। तो ये तो आपका रूल वन है। रूल टू कह रहा है कि इफ़ द एटम अटैच टू द असिमेट्रिक कार्बन एटम आर सेम, जो एटम आपका असिमेट्रिक कार्बन एटम के साथ अटैच है, अगर वो आपका सेम हो, असिमेट्रिक कहने का मतलब कार्बन एटम के साथ अगर आपका जो एटम जुड़ा है वो आपका सेम हो, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, वी डिटरमाइन द प्रायोरिटी बाय गोइंग टू द नेक्स्ट एटम अवे फ्रॉम द असिमेट्रिक कार्बन एटम। मतलब अगर आपके पास एक कंपाउंड है, या आपके पास क्या है, असिमेट्रिक कार्बन एटम है, कायरल कार्बन है, क्योंकि आपके चार डिफरेंट ग्रुप्स है, तो अगर आपका यहाँ जो असिमेट्रिक कार्बन है ये आपका बॉन्डेड है सेम टाइप ऑफ एटम के साथ, मतलब यहाँ भी आपका कार्बन है, यहाँ भी आपका कार्बन है, इस पर देखिए तो यहाँ भी कार्बन है असिमेट्रिक कार्बन, और ये भी आपका यहाँ पर जो बॉन्डेड है ये भी आपका कार्बन ही है, ठीक है। तो तीनों केस में आपका यहाँ पर कार्बन है। तो ऐसे केस में हमें प्रायोरिटी डिटरमाइन कैसे करेंगे, लिखा है कि वी डिटरमाइन प्रायोरिटी बाय गोइंग टू द नेक्स्ट एटम अवे फ्रॉम द असिमेट्रिक कार्बन एटम। मतलब हमें इस कार्बन के किनारे जो आपके यहाँ पर एटम जुड़े होंगे उनकी प्रायोरिटी यहाँ पर चेक करनी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें CH3 की, तो इस कार्बन के साथ आपका दूसरा वाला जो किनारे जुड़ा है एटम वो कौन सा है, हाइड्रोजन है। अगर मैं इसकी बात करूं इथाइल की, तो इसमें आपका जो नेक्स्ट वाला एटम है वो आपका कार्बन है, ये कार्बन तो आपका इसके साथ जुड़ा है एसिमेट्रिक के साथ, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वाला जो आपका एटम है हमें उसको चेक करना है, नेक्स्ट वाला कौन सा आपका कार्बन है, यहाँ पर कौन सा आपका हाइड्रोजन है। तो कार्बन आपका एटॉमिक नंबर आपका हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो कार्बन की प्रायोरिटी आपकी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, ठीक है। सिमिलरली कंपेयर करूँ मैं आइसोप्रोपाइल पे, या आपका आइसोप्रोपाइल है, तो इसमें आपका जो कार्बन बॉन्डेड है वो आपके दो मिथाइल से बॉन्डेड है, दो कार्बन से आपके यहाँ पर बॉन्डेड है, तो इसकी प्रायोरिटी आपकी और ज़्यादा होगी, ठीक है। तो प्रायोरिटी हम कैसे सेट करेंगे, पहला आपको किसको मिलेगा, आइसोप्रोपाइल को यहाँ पर, ठीक है। सेकंड आपको मिलेगा इथाइल को, थर्ड आपको मिलेगा मिथाइल को, फोर्थ आपको मिलेगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन की सबसे कम प्रायोरिटी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो हमने करा क्या यहाँ पर, हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, हमने क्या करा यहाँ पर, जो आपके बॉन्डेड है यहाँ पर कार्बन एटम इस एसिमेट्रिक कार्बन एटम के साथ, उसके नेक्स्ट वाला जो आपका एटम है हम उसकी प्रायोरिटी यहाँ पर चेक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो एटम अटैच है इस कार्बन के साथ, कायरल कार्बन के साथ, वो आपका सेम है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है आपका, यहाँ पर भी कार्बन है। तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर नेक्स्ट वाले एटम की प्रायोरिटी चेक करनी होती है। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन चेक करी, यहाँ पर हमने कार्बन की चेक करी, और यहाँ पर हमने दो कार्बन की चेक करी। तो यहाँ पर दो कार्बन है तो इसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, तो इसको प्रायोरिटी आपकी ज़्यादा मिलेगी पहले नंबर पर, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आपको देखना है। तो ये अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन देखें कहाँ को जाएगा, हाईएस्ट टू लोएस्ट आपको जाना होता है, तो 1, 2, 3 और 4 हम जाएंगे कैसे, ऐसे यहाँ पर हम जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, ये बनेगा आपका एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जा रहा है, तो ये आपका एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इस टाइप से आपका यहाँ पर ऑर्डर रहता है, मिथाइल को सबसे कम प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि कार्बन आपका हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, ये चीज़ आपकी यहाँ पर है। फिर क्या आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका यहाँ पर जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है अगर वो आपका वर्टिकल पे लगा है, अगर आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल पे लगा है और यहाँ पर हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका यहाँ पर वर्टिकल पे लगा है और हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, तो ये आपका होता है यहाँ पर आर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर जो प्रायोरिटी है ग्रुप है वो आपका हाइड्रोजन, आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है हाइड्रोजन आपका वर्टिकल पे लगा है और हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो ये आपका होता है यहाँ पर एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो दोनों में आपको समझना है, अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप लगा है यहाँ पर वर्टिकल पे, तो एक बार जब हम गए क्लॉकवाइज तो वो आपका आर कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जब आपका यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं, जब आपका हाइड्रोजन आपका लोएस्ट प्रायोरिटी पे लगा है, तो ये आपका होता है यहाँ पर एस कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली अगर आपका यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है हॉरिजॉन्टल पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे आपका हाइड्रोजन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप लगा है, ठीक है, और हम जा रहे हैं यहाँ पर क्लॉकवाइज सेंस पे, तो ये आपका होता है यहाँ पर एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल पे लगा है और हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे, तो ये होता है आपके आर कॉन्फ़िगरेशन।
तो ये चारों चीज़ें आपको समझनी है कि वर्टिकल पे जब आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप लगा है तब क्या हो रहा है, और जब आपका हॉरिजॉन्टल पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप लगा है तब क्या हो रहा है। तो चारों चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते, ये आपके पास दे रखा कंपाउंड, आपको इसमें आपको बताना है एस है या आर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें, हमें यहाँ पर प्रायोरिटी सेट करनी है आपका कायरल कार्बन है, क्योंकि आपके चारों ग्रुप यहाँ पर डिफरेंट है। तो एक आपका क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल है और आपका एक ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, फिर क्लोरीन की होगी, ठीक है, फिर किसकी होगी आपकी मिथाइल की होगी, फिर लास्ट में किसकी होगी हाइड्रोजन की होगी। हम कैसे यहाँ पर प्रायोरिटी सेट करें, बाय सीइंग देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है, या आप कह सकते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। अब आपका यहाँ पर जाना कैसे, 1 2 3 4 करके जाएंगे हम, हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी, 1 2 3 और 4, तो इस डायरेक्शन हम जा सकते हैं। लेकिन आपका अगर यहाँ पर हम देखें हाइड्रोजन का, अगर हम रीअरेंजमेंट करें तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा यहाँ पर CH3 Br, हाइड्रोजन का हम यहाँ पुट करें और Cl यहाँ पुट करेंगे। हाइड्रोजन आपका कहाँ आ गया, वर्टिकल डायरेक्शन पर यहाँ पर आ गया। तो ऐसे में अगर हम प्रायोरिटी सेट करें तो 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्लोरीन के लिए आपका 2 आएगा, मिथाइल के लिए आपका 3 आएगा और हाइड्रोजन के लिए आपका यहाँ पर 4 बनेगा, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 बनना है, तो कैसे आएगा आपका, ये डायरेक्शन यहाँ पर आपकी बनेगी कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आपकी यहाँ पर बनेगी। तो ऐसे केस के लिए आपका क्या होगा, अगर आपका यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप और हम क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं, अगर हम क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं तो ये आपका यहाँ पर आर कॉन्फ़िगरेशन बनता है, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे हम जाएंगे ना, और क्लॉकवाइज से हम जा रहे हैं तो ये बनेगा आपका आर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो आपका कहाँ पर है, वर्टिकल डायरेक्शन पे है, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं लास्ट वाला। ये हमारे पास कुछ कंपाउंड दे रखा है, इसमें आपके 2 कायरल कार्बन है, कौन कौन से, एक आपका ये वाला कायरल कार्बन है और एक आपका ये वाला कायरल कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपके 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, कौन कौन से, Cl है, OH है, मिथाइल है और ये आपका पूरा ग्रुप है चौथा वाला। इसमें भी आपका ऐसी है, Cl है, मिथाइल है, OH है और ये आपका पूरा ग्रुप है फोर्थ वाला, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर प्रायोरिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जिसका एटॉमिक नंबर आपका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा 17। फिर आपका ऑक्सीजन का होगा 2, सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी। थर्ड में किसको मिलेगी, आपके इस ग्रुप को मिलेगी, क्यों, क्योंकि आपका पूरा इसका जो एटॉमिक मास है वो आपका ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मिथाइल। ये तो आपका सिंपल मिथाइल है, अब इसका एटॉमिक मास तो आपका ज़्यादा होगा ना इससे, मिथाइल से। तो तीसरी प्रायोरिटी आपको इसको मिलेगी, फोर्थ आपको यहाँ पर लास्ट में मिथाइल को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कार्बन है वो आपका डायरेक्टली बॉन्डेड है हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन की प्रायोरिटी वैसे भी कम रहेगी। तो 1 2 3 और 4 हम ऐसे यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, कैसे हम गए, एटॉमिक नंबर देख के यहाँ पर हमने प्रायोरिटी दे रखी है। तो होगा क्या आपका, हम जाएंगे कैसे, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे अगर हम यहाँ पर गए और जो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो किस पर है, पहले वो देखो, फोर्थ आपका यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, ये आपका मिथाइल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे आपका यहाँ पर है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। तो अगर यहाँ पर ऊपर से हम देखें तो ये आपका है क्या यहाँ पर, अगर आपका यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे होता है तो होता है कि आपका यहाँ पर आर कॉन्फ़िगरेशन होता है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम जाते हैं, तो ये आपका यहाँ पर होगा आर कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका बनेगा यहाँ पर आर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं और जो यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे है, तो ऐसे पे आपका होता है आर कॉन्फ़िगरेशन, तो ये होगा आपका आर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सेकंड हम बात करें ये वाले कायरल कार्बन की, तो इसमें जो आपका प्रायोरिटी ग्रुप होगा हाईएस्ट एटॉमिक नंबर की बात करें तो क्लोरीन का पहला होगा, सेकंड किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, थर्ड किसका होगा, ये वाले ग्रुप का होगा पूरा, क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, फिर आपका फोर्थ किसका होगा, ये मिथाइल का होगा, ठीक है। तो कैसे हम जाएंगे, 1 2 3 4 करके, 1 2 3 4 आप ऐसे तो जाएंगे ना हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो ये होगा कि आपका 1 2 3 4 हम ऐसे जाएंगे, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाएंगे। तो अगर यहाँ पर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जा रहे हैं और आपका जो मिथाइल ग्रुप है वो आपका वर्टिकल पोजिशन पे है, मतलब जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है फोर्थ वाला, ये आपका वर्टिकल पोजीशन पे और हम जा रहे हैं यहाँ पर आपका क्लॉकवाइज सेंस पे, तो क्या होगा, ऊपर केस देखो क्या है आपका, अगर आपका यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे होता है और हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज पे, तो ये आपका यहाँ पर आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये कौन सा होगा आपका, सेकंड वाले कायरल कार्बन का आर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले के लिए आपका आर कॉन्फ़िगरेशन आया तो हम लिखेंगे 1R, और सेकंड के लिए भी आपका आर कॉन्फ़िगरेशन आया तो हम लिखेंगे 2R, तो 1R R 2R आपका यहाँ पर बनेगा कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे यहाँ पर हम R और S कॉन्फ़िगरेशन को दिखाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आया आपका तो ये सब चीज़ आप लिख सकते हो, बाकी इसकी PDF मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका EZ नोमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।